नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा समेत इन जिलों में नहीं ले सकेंगे टीचर ट्रांसफर। राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज के शिक्षक लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से तबादला ले सकेंगे, लेकिन इन जिलों में तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों के शिक्षक लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से बाहर तबादला ले सकेंगे, लेकिन इन जिलों में तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, प्रवक्ताओं समेत प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जिलों के जिला मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अंदर के स्कूल ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। अधिकतम 10% तबादले ही किए जा सकेंगे। अपरिहार्य प्रशासनिक फिर जनहित में कार्यकर्त संवर्ग के 4% तबादले विभागीय मंत्री कर सकेंगे। 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इच्छुक आवेदक 5 स्कूलों का चयन कर सकेंगे। स्कूलों का वर्गीकरण भी किया गया है। हाई स्कूल में न्यूनतम 3 सहायक अध्यापक और इंटर कॉलेज में 2 प्रवक्ता व 3 सहायक अध्यापकों का होना जरूरी है। शैक्षिक गुणांक पर तबादले। स्वय कैंसर, एचआईवी, एड्स, किडनी, लीवर, गंभीर रोग ग्रस्त आदि एम्स पीजीआई के प्रमाण पत्र देने पर 50 अंक। स्वय दिव्यांग 30 से 50 अंक। पति पत्नी या बच्चे को दिव्यांगता। कैंसर, एचआईवी, किडनी आदि में एम्स पीजीआई या राज्य चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र देने पर 50 अंक। महिला आवेदक जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है या 40% दिव्यांग 50 अंक। रिपोर्ट आरती सचदेवा। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।